गोमो में देर रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, जहां चोरों ने घर में घुसकर लूट का प्रयास करने लगा। तभी गृह स्वामी की नींद खुल गई और हो हल्ला होने लगा, जिसके बाद चोरों ने अपने आप को बचाने के चक्कर में पति पत्नी को चाकू से हमला कर दिया, गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गोमो निवासी रोशन कुमार के घर में देर रात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया और घर में घुस गया। इसके पश्चात घर में सभी लोग सो रहे थे, गृह स्वामी की अचानक नींद खुल गई तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ अज्ञात चोर घुसे हुए, जिसका विरोध करने पर चोरों ने उन पर हमला कर दिया। पति पत्नी थे, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, क्योंकि चोर के पास धारदार चाकू था और धारदार चाकू से पति पत्नी पे हमला कर दिया और वो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जबकि गोमो निवासी रोशन कुमार सहायक लोको पायलट बताए जा रहे हैं। मामला की जानकारी जैसे ही मिला, आरपीएफ एवं पुलिस अस्पताल लेकर के उन्हें पहुंच गई और तफसील में जुट गई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता चंदन पॉल की एक रिपोर्ट। 2:30 बजे के आसपास घर में चोर आया था, मारपीट चोर था, मारपीट किया, चाकू चला दिया, हमको और मेरे हस्बैंड को। कहाँ रहते हैं आप लोग? गोमो में रहते हैं। क्या करते हैं? लोको पायलट हैं, हम हाउस वाइफ हैं। ज्यादा चोट लगा, कहाँ कहाँ लगा? चोट पैर में लगा है, गर्दन पे चाकू चलाया है, अब छीना तीनी में चोट लगा, इधर उधर चोट लगा। कुछ सामान भी लगा है? सामान हम नहीं देखे, हम तो अंदरूनी नींद में उठे, सामान अभी नहीं देखे हैं, घर जाएंगे तब सब। गला में चाकू से वार किया है, उनका ज्यादा हो गया है। क्या नाम है हस्बैंड का? रोशन कुमार, नूपुर कुमारी। 2:15 बजे के आसपास मतलब हम सोए हुए थे और एक चोर आया, और जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक गर्दन पे चाकू चला दिया था, फिर हम उसको धक्का दिए, तब तक दूसरा कट मारा, हल्ला किए तो वो भागने लगा, तो भागने लगा तो वाइफ उसको पकड़ ली, तब तक हम रूम किचन से तवा लेकर के आए और तवा से उसको उसका पिटाई किए तो वो गन पॉइंट पे ले लिया, उसके बाद डुप्लीकेट गन था लेकिन गन पॉइंट पर लेकर के भाग गया। कितने लोग थे? एक ही लोग थे। क्या 2:15 के आसपास पत्नी को भी चाकू लगा है? हम पत्नी और मेरा 1 साल का बच्चा है। कंप्लेंट किए? हाँ, थाना में कंप्लेंट किए। रोशन कुमार। आप देख रहे हैं सब पर नजर।